तो कोई और दिक्कत लगती है इसमें? दो ही दिक्कत लगी। क्या? एक तो इसका, हाँ ये ना ढीला हो जाता है, बचता है। अच्छा। मैंने इसको ये लगा रखा रबड़, ये अवेंजर बैंड, हाँ बैंड लगा रखा। ओके, बस आवाज आता है, साउंड आता होगा इसमें, है ना? आवाज आता है, जैसे ये है ना इसके, हाँ ये लॉक है। अच्छा, ये टक 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 करते हैं, इसमें बचते हैं, देखो निशान पड़े। ओके ओके ओके। बस एक प्रॉब्लम तो मुझे इसमें ये लगी, और दूसरी प्रॉब्लम इसकी मुझे लगी, इसकी चेन स्प्रॉकेट जो है, इसमें चेन बहुत जल्दी ढीली होती है। चेन ढीली रहती है? हाँ। अच्छा, इसमें ओपन चेन सिस्टम तो होगा नहीं? नहीं। और तेरे को इससे कुछ शिकायत आई थी यूएसबी वाले पोर्ट से? नहीं, लेकिन इसका है, मुझे एक प्रॉब्लम लगी, चार्जिंग स्पीड बहुत कम है इसके। स्लो चार्ज करता है बस, ये है कि फोन ऑन रखेगा। अच्छा, मतलब जैसे आप ड्राइव कर रहे हो? हाँ। तो दिक्कत नहीं आएगी? हाँ। चार्जिंग मतलब उतनी लेवल पे नहीं होती? लेवल पे नहीं है, बस ये फोन ऑन रखेगा, तुम्हारा स्विच ऑफ नहीं होने देगा बस। अच्छा। हेलो, वेलकम बैक टू ये देख व्लॉग्स और ये देख टैक। अभी मैं आ चुका हूँ भाई मेन रोड पे। मेन रोड पे आज व्लॉग करने नहीं आया, आज मैं करने वाला हूँ एक रिव्यू बाइक का, जो कि होने वाली है मेरे पीछे खड़ी है हीरो की स्प्लेंडर प्लस। मेरे भाई ने ली थी, आकिब ने, उससे मिलवाऊंगा, उससे थोड़ी सी डिटेल लेंगे कि कैसी रही बाइक भाई, मतलब कैसा एक्सपीरियंस था उसका हीरो स्प्लेंडर प्लस का, क्योंकि 3 महीने पहले उसने ली थी, 3 महीने के अंदर उसको क्या रिजल्ट मिले, अगर आप लोग चाह रहे हैं लेना तो आपको बता सकते, हम लोग आपको डिटेल में बता सके कि कैसे रहेगा 3 महीने के बाद एक्सपीरियंस इस बाइक का, और भी मतलब भाई डिटेल्स है इसके अंदर कि क्या खामियाँ लगी उसको पर्सनल लेवल पे, कि यार ये चीज़ें चेंज कर सकती है कंपनी और ये चीज़ में एड ऑन या फिर कोई मतलब कुछ ऐसा फीचर दे सकते हैं कि जो काफ़ी सपोर्ट करेगा आप लोगों को भी और हम लोगों को भी। तो मैं तो चलाता नहीं यार बाइक इतनी, बट वो यूज़ करता है तो मैं उससे पूछता हूँ भी कि कैसा उसका एक्सपीरियंस था, बट आपको थोड़ा सा पहले मैं दूंगा सिनेमेटिक्स, फिर बताऊंगा इसकी प्रोफाइल, फिर बताएंगे स्पेसिफिकेशन और फिर बताएंगे उसका रिव्यू। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी से, ना कि टाइम वेस्ट कर। शुरू करते हैं पहले प्रोफाइल के साथ इस बाइक का, स्प्लेंडर प्लस। भाई काफ़ी पुरानी बाइक है, बट मैं इसका रिव्यू क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने ले रखी थी, मैंने कहा यार बता तो कैसी लगती है गाड़ी, क्या रहा तेरा एक्सपीरियंस इसके साथ, क्योंकि ना ये सादा बाहर गाड़ी में आती है भाई स्प्लेंडर, मतलब मैं 2016-15-14 दिल्ली पूरा दर्शन मैंने इसी पे किया हुआ है। तो मैंने कहा आज इसकी एक वीडियो बनाते हैं, बढ़िया से आपको वीडियो दिखाते हैं, और लेफ्ट साइड से कुछ इस तरीके से प्रोफाइल मिलेगी आपको स्प्लेंडर प्लस की, और सामने की प्रोफाइल दिखाए थे भाई आपको, कुछ इस टाइप की आपको प्रोफाइल मिलेगी सामने से, और लेफ्ट की आपको दिखाई दी मैंने, बैक साइड दिखाया था कि आपको बैक में क्या मिलने वाला है, तो बैक में इस तरीके से प्रोफाइल मिलेगी। और भाई थोड़ा सा इसकी बताता हूँ आपको स्पेसिफिकेशन, तो स्पेसिफिकेशन में आपको सबसे पहले बता देता हूँ इंजन के बारे में। इंजन इसका 97.2 cc का मिलने वाला है, जो कि काफ़ी इफिशियंट इंजन रहता है भाई डेली कम्यूटिंग के लिए, तो काफ़ी बढ़िया इंजन है वो, एयर कूल इंजन आपको उसके अंदर मिलेगा। और जो टॉर्क मिलने वाली है आपको 8.05 Nm की मिलेगी 6000 RPM के अंदर, और 7.91 bhp का 8000 RPM पे पावर मिलेगी इस बाइक के अंदर। व्हील टाइप आपको मिलने वाले इसके अंदर एलॉय, तो आप देख ही सकते हैं। तो भाई ब्रेक मिलेगी आपको ड्रम ब्रेक आगे और पीछे, IBS ब्रेक सिस्टम है आपको इसके अंदर मिलने वाला है। और जो सस्पेंशन मिलने वाला है आपको मिलेगा आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे मिलेगा, पीछे भी वही है 5-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन, जो कि इस तरीके से आपको मिलेगा। ड्रम ब्रेक के जो साइज़ है भाई फ्रंट वाले के 130 mm की है, और पीछे वाले की 130 mm की ड्रम ब्रेक है, और 18 इंच के आपको दोनों टायर मिलने वाले हैं इसके 80x100 के, तो ये इस तरह के JK टायर का लगा हुआ है इसमें 80x100, ये रहा ये आएगा ना अभी ऊपर, ये रहा 80x100, और आगे भी 80x100 का JK का टायर लगा हुआ है। टायर थोड़ा सा पतला लग रहा है मेरे को, बट इस बाइक के हिसाब से काफ़ी सही है। और ट्यूबलेस टायर आपको मिलने वाले हैं, और थोड़ी सी आपको बाइक की वेट बताया तो भाई 112 किलो की बाइक है पूरी टोटल ही है। सीट हाइट इसकी 785 mm की है, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की है, काफ़ी नीचे बाइक है। और ओवरऑल हाइट है जो बाइक की भाई 1052 mm की है, 1052 mm की। व्हील बेस है इसका 1236 mm का, और भाई इसकी टॉप स्पीड होने वाली है 87 km/h। ये वाला बेस वेरियंट है, बिल्कुल बेस वेरियंट जो i3S के साथ आता है, जो कि बेसिकली इसके अंदर सबसे बढ़िया 2-3 फीचर आपको बताया था क्या क्या लगे। अगर आपका साइड स्टैंड ओपन है ना तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी, कुछ भी कर लो जब तक आपका साइड स्टैंड नहीं हटता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अभी i3S वाला सिस्टम आपको दिखाता हूँ, ये वाले लाइट नहीं जल रही है, अभी इंजन गर्म होने के बाद ना भाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, अगर आपकी गाड़ी कोई जाम में फंसी हुई है तो ऑटोमेटिकली बंद होगी, और ऑटोमेटिकली मतलब आप सिर्फ क्लच पकड़ के ऑन कर सकते हैं इसको बाद में, तो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको। और आवाज़ सुनाता हूँ आपको पीछे से इसके एग्जॉस्ट की, कितना टाइम होगा कि उसको लिए हुए, हाँ 3 महीने के अंदर कुछ इस तरीके से साउंड रहने वाला भाई।
और इसके अंदर चार्जर भी दिया था तेरे को, यूएसबी पोर्ट है इसके अंदर। अरे भाई सबसे बढ़िया फीचर तो यही है यार, मतलब फोन चार्ज कर हो जाता होगा, बहुत ही बढ़िया। केबल लगानी है अपना। अच्छा जैसे मान लीजिए अभी ऑफ है और डायरेक्ट लगा दूं केबल तो नहीं, इसे पहले ऑन करना पड़ेगा तभी चलेगा ना, मतलब कोई पता चला तुम्हें बाइक खड़ी कर रखे बंदे फोन चार्ज लगा के चलते बने, चाबी लगा के ऑन करना पड़ेगा पहले। ओके ओके ओके, बट सही है यार, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो अभी तक मेरी भाई स्कूटी के अंदर नहीं है, बट मेरे को कराना पड़ेगा। और भाई आपको थोड़ा बटन के बारे में बताया, बटन आपको ये मिलने वाले लाइट के, तो हेडलाइट का यहाँ पे लेफ्ट साइड मिल जाएगा बटन, ये है आपका इंडिकेटर का नीचे, तो ये है हॉर्न का बटन, ये इंडिकेटर्स के लिए है, ये है इसका हेडलाइट का डिपर भी मान लेते, इसको आप डिपर भी कर सकते हैं ना, हाई बीम लो बीम है ना ये, अच्छा एक डिपर हो जाएगा, डिपर हो सकता है वो। और यहाँ पे आपको i3s का बटन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे इंडिकेशन भी आएगी जब आपकी जब आपकी गाड़ी हीट होगी, इंजन हीट होगा आपका, तब ये चलता है। और उसके बाद क्या होता है कि चलती गाड़ी आपकी अगर जाम में फंसी हुई है तो उसको इंजन ऑफ हो जाएगा न्यूट्रल होने के ऊपर, अगर आप चल रहे हैं तो बंद नहीं होगा, मतलब भाई आप खड़े हैं और न्यूट्रल करके गाड़ी स्टार्ट करके तो गाड़ी खुद ही बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो बेसिकली फीचर ये है इसका। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेल्फ स्टार्ट का बटन, किक्स आपको साथ साथ मिली जाएगी। और भाई ये था पूरी बाइक का स्पेसिफिकेशन, और अब थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं आगे से कि आगे तौर को 3 महीने बाद कैसा लग रहा है इस बाइक के साथ। अच्छा मैंने एक चीज़ ही बताई यार, जो उसके फ्रंट पे आपको मिलने वाले ना, आपको जो फ्रंट में मिलेंगे ना इसकी हेडलाइट और टेल लाइट प्लस इसके जो इंडिकेटर्स है वो हैलोजन वाले होने वाले भाई, तो क्योंकि प्रोजेक्टर एलईडी आपको उसके अंदर नहीं मिलेगी, बट जो स्प्लेंडर सुपर स्प्लेंडर है ना उसमें यहाँ पे DRL दे रखा है, और शायद उसका LED, अच्छा इस स्प्लेंडर प्लस में भी आता है, तो जो स्प्लेंडर प्लस में टॉप मॉडल है ना भाई उसके अंदर आता है डिजिटल मीटर आ जाएगा पूरा, ये तो एनालॉग मीटर है ना, वो डिजिटल मीटर के साथ साथ आपको यहाँ पे DRL मिल जाएगी, DRL मिलती है ना, और जो ये हैलोजन की लाइट होती है वो हैलोजन ही रहती है, हैलोजन चेंज नहीं होती ना, बस एक DRL मिल जाता है। तो भाई इसका जो टॉप मॉडल आता है, ये बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल का बता रहा हूँ मैं आपको, 4 महीने हो गए तेरे को दिए हुए, कितने की पड़ी तेरे को ये बाइक? ये 92 की है एक शोरूम। ये एवरेज कितना देती है? कंपनी बोलती है 60 किलोमीटर की देती है। नहीं 60 तो नहीं निकालती है, ये जब मैंने ली थी तो पहली सर्विस से पहले तो एवरेज कम ही दे रही थी। अच्छा 40 से 45 का। और अब? अब जब दूसरी सर्विस करवाई उसके बाद थोड़ी एवरेज खुली थी इसकी तो निकाल दे रही थी 55-60। ना वो कंपनी स्टार्टिंग क्लेम करती है, स्टार्टिंग में नहीं आती ना, बट वो स्टार्टिंग में नहीं आती, स्टार्टिंग नई नई गाड़ी होती है ना, चलाने का तरीका है जैसे हिसाब से चलाओगे हिसाब से एवरेज है। तो कोई और दिक्कत लगती है इसमें बाइक में? दिक्कत तो बस इसमें मुझे दो ही दिक्कत लगी। क्या? एक तो इसका ये फ्यूल कवर जो है, फ्यूल कवर हाँ ये ना ढीला हो जाता है, बचता है। अच्छा मैंने इस पर ये लगा रखा रबड़, ये अवेंजर ब्रांड है, ब्रांड लगा रखा। ओके बस आवाज आता है, साउंड आता है, है ना आवाज आता है, जैसे ये है ना इसके, हाँ ये लॉक है। अच्छा ये टक 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 करते हो, टक इसमें बसते हैं, देखो निशान पड़े। ओके ओके ओके, बस एक प्रॉब्लम तो मुझे इसमें ये लगी इसकी। अच्छा और दूसरी प्रॉब्लम इसकी मुझे लगी, इसकी चेन स्प्रॉकेट जो है इसमें चेन बहुत जल्दी ढीली होती है, चेन ढीली रहती है। अच्छा इसमें ओपन चेन सिस्टम तो होगा नहीं? नहीं। और उस पर खुलवा के पूरा खुलवाना पड़ता होगा फिर? नहीं ये कवर खुलते हैं। हाँ कवर खोल के फिर शुरू करते होगे वो। हाँ लेकिन ये है कि जैसे अगर 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर चल जाती है ना तो फिर इसकी चेन ढीली हो जाती है बहुत जल्दी। अच्छा तो तूने कितने चला लिया अभी इसको? मैंने तो चला लिया 4200 के करीब चला लिया। 3 महीने में तो 4000 चला लिया, मतलब 1000 की एवरेज आ रही तेरे को महीने की। 1000-1200 तो चला लेता है आराम से, 1500 मतलब मान लेते हैं, 1300-1300 ऐसे कुछ, 1000-1200 ऐसे कुछ। और तेरे को इससे कुछ शिकायत आई थी यूएसबी वाले पोर्ट से? नहीं लेकिन इसका है मुझे एक प्रॉब्लम लगी, चार्जिंग स्पीड बहुत कम है इसके, स्लो चार्ज करता है बस, ये कि फोन ऑन रखेगा। अच्छा मतलब जैसे आप ड्राइव कर रहे हो हाँ। तो दिक्कत नहीं आएगी हाँ। चार्जिंग मतलब उतनी लेवल पे नहीं होती, लेवल पे नहीं है, बस ये फोन ऑन रखेगा तो हमारा स्विच ऑफ नहीं होने देगा बस। अच्छा बाकी सब ओके? सब ओके, इसलिए ली मैंने स्प्लेंडर ही अच्छी बाइक है। अरे भाई मैंने बहुत भाई मैं पूरी दिल्ली गुड़गांव NCR जो देखा था ना वो स्प्लेंडर पे देखा था केवल, और मैंने तो वो तब से मेरे को फेवरेट लगती है, मेरे को सबसे फेवरेट बाइक है मेरी भाई है। और इसको हम मॉडिफाई करवाएंगे एक 1.5 साल बाद, कितने साल की वारंटी है? 2 साल की है लेकिन 2 साल से पहले करवा देंगे, 2 साल से पहले करा देंगे आपको, दिखाएंगे पंजाब वाली स्प्लेंडर जो पंजाब में मॉडिफाई होती है हाँ। तो भाई देखो सबसे पहले ना चेंज कराने वाले हैं इसका, ये इसका एग्जॉस्ट चेंज करवाएंगे, और पता है कौन सा लगवाएंगे? जो बुलेट पे लगा होता है। फिर दूसरा इसका चेंज होंगे अलॉय व्हील्स, अलॉय व्हील लगवाएंगे वो बड़े वाले मर्सिडीज वाले, सिंगल एस में आते हैं, सिंगल एस वाला जो आता है ना वो लगवाएंगे, और ये हटवा देंगे बिल्कुल इसका, और पीछे वो लगा देंगे यार झंडा टांगने के लिए होता वो, और आगे वाइजर लगवाएंगे बड़ा वाला, लंबा वाला वाइजर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मॉडिफाई कराने वाले हैं स्प्लेंडर अपनी प्लस
थोड़े टाइम बाद आपको दिखाएंगे वीडियो। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना, हम जरूर सोल्यूशन देंगे थोड़ा बहुत स्प्लेंडर के रिगार्डिंग, और कोई और बाइक के चाहिए वो भी देंगे हम। और बाकी आकिब मेरे साथ ही है भाई, मेरे भाई का नाम आकिब है। आकिब थोड़ा सा लाइट में आना पड़ेगा यार इस तरफ, तो भाई का नाम है आकिब। बहुत सी वीडियो में देखा होगा आपने मेरे साथ इसको, मतलब सारी वीडियोस में देखा था ये देख वाले में, अभी व्लॉग्स में भी आया एक दो वाले व्लॉग्स में, बट मैंने कहा आज तेरी बाइक का रिव्यू करते हैं बढ़िया वाला, बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा था, आज टाइम मिला है गांधी जयंती वाले दिन, मैं कहा चलो करते हैं वीडियो को। तो ये इसकी बाइक थी और इसी का रिव्यू था, थैंक यू भाई, मिलते हैं। तो भाई करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए सी यू सून, टाटा बाय।